अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं डॉक्टर अब्दुल अली खान। हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी। हमारे पास 24 आवर्स के लिए कार्डियक एम्बुलेंस है, जिसमें नया टेक्नोलॉजी के साथ मशीन सब उसमें लगी हुई है। मुमरा से लेकर डुम्बोवली तक के लोग हमारे हॉस्पिटल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारे पास अच्छे अच्छे रूम हैं, डिलक्स रूम है, स्वीट्स रूम है, हर तरह की फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में माशाल्लाह मौजूद है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि सोशल मीडिया में एक खबर चल रही है, जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारी है नईम खान, उन्होंने कुछ बयान दिए हैं जिसको लेकर काफी शहर में चर्चा भी हो रही है। और उसी संदर्भ में हम बात करेंगे, एनसीपी के ही ब्लॉक अध्यक्ष है बबलू सेमना, उनसे हम बात करेंगे। बबलू भाई, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से नईम खान ने जो बयान दिया है कि कलवा मुमरा के विधायक जो है जितेंद्र भाट, वो मुमरा में कभी भी दंगा करा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। देखो, ये नईम भाई कैसे बुजुर्ग आदमी है, बूढ़े हो चुके हैं, तो इनको बयानबाजी क्या बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहते हो और क्या बोल गए उनको अभी अंदाजा नहीं है। उसके ऊपर तो आप हम लोग कानूनी एक्शन तो लेंगे, हो सकता है इनको नोटिस भी गई होगी। इनने इनको क्या पता है, ये कैसा है, गांव में कहावत है मुर्गी में ना दरबा में बंद करते हैं। इन लोगों ने नईम भाई ने अपने आप को एक दरबा में बंद करके, चार दीवारों में बंद कर चुके हैं। इनको शहर के हालात से कुछ वाकिफ नहीं है। ये सिर्फ चार दिन के लोग आए बैठेंगे, पैर ऊपर चढ़ा के बातें करेंगे, इससे नहीं होता है। आपको पता है मुमरा में भी बहुत एमएस, जब तो कोरोना आने के पहले एमएससी भी थी, उस वक्त भी शहर के लोड शेडिंग के बाद, लोड शेडिंग के होने की वजह से हालात बहुत खराब हुए, कभी नईम भाई को दिखे नहीं रस्ते थे। उसके बाद एक्चुअली क्या है कि जो दंगा भड़काने जैसा शब्द इस्तेमाल किया, उस पर ऐसा क्यों कहा उन्होंने, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कैसा क्या वाकई में करा सकते हैं? ये तो उनकी गलतफहमी के शिकार है ना। अरे उनको पूरे, आपको तो पता है कि पूरे हिंदुस्तान में जो 10 सेकुलर नेता है उनमें से एक डॉक्टर जितेंद्र और साहब का भी नाम आता है। अरे आपको, आपने राबोड़ी का दंगा भी देखा है, राबोड़ी के दंगे में अवार साहब बीच पुलिस के फायरिंग बीच में खड़े रहे, राबोड़ी के दंगे में खड़े थे। और आज जिसकी हिमाकत कर रहे ना, जिसकी तारीफ कर रहे, वो कौन से साइड में थे, राबोड़ी के लोगों को जाके पूछोगे तो पता चलेगा। तो रावण साहब दंगा भड़का रहे थे, दंगे के मुसलमानों को दंगों से बचा रहे थे, आपको पता चलेगा। ऐसी एक दंगा उमरा में होते थे बच गया था, जब एक मित्तल में कुरान शरीफ की आयतें मिली थी हमारी यंग जनरेशन को, उस टाइम वक्त लगा था कि वो कुरान शरीफ की आयतें जलाई गई। उस वक्त भी इतने बड़े, उस वक्त जुमा का दिन था, जुमा की नमाज रस्ते में अदा की गई, और उस वक्त पूरा रस्ते नमाज के बाद सब जितनी यंग जनरेशन जो लोग रस्ते में उतरे थे, वो वाइट एक शख्स था जो बीच रस्ते में लोगों को शांत कराने के चलने रस्ते पे निकल पड़ा था। उस टाइम डीसीपी गुगे, सीनियर पे गुगे, एसीपी पाटिल और अशोक गिरी डीसीपी थे, सीनियर और सीपी रघुवंशी साहब थे, और अरुण शंडे साहब का रिसेंटली तबादला हुआ था। सीपी साहब से रिक्वेस्ट करा के अवार्ड साहब ने अरुण शंडे साहब को बुला के बीतीन आधे से पौने घंटे में दंगे को शांत कराया था। उस वक्त पुलिस की दो वैन जलाई गई थी, उस वक्त आप कहां थे? अच्छा, जो शब्द उन्होंने कहा है कि दंगा करा सकते हैं, तो इस पर आपकी पार्टी क्या करेगी, कुछ एक्शन लेगी, नोटिस वगैरह कुछ दिए? डेफिनेट एक्शन तो लेगी, मुझे लगता है नोटिस जा भी चुका होगा। किसने भेजा वो नोटिस? जिसका नाम लिया है वही ना उनको नोटिस भेजेंगे, वही पुलिस भेजेगी कि किस हालात पे और किस वजह से आपको लगा कि आवार साहब ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बात सामने आ रही है कि जितेंद्र आवार जो है वो कभी दरगाह पर नहीं गए, ऐसा चर्चा जो है हो रहा है, बयान में उन्होंने ये भी कहा है। नहीं, ये आपको वो समझने की शब्दों का हेरफेर हो गया। उनको ऐसा है कि रईस बाबा पहाड़ पे, तो पहाड़ की दरगाहों पे, अब कैसा है कोरोना के बाद तो वीडियो भी चल रही है दरगाह पे। अरे ये तो जो चलाने वाले उनको नहीं पता, ढोकली शाबा दरगाह के ऊपर अवार साहब कितने बार जा चुके हैं, अजमेर शरीफ दरगाह शरीफ पे, अजमेर राजस्थान है, कितने बार दरगाह से दरगाह में हाजिरी लगा चुके, माइन दरगाह शरीफ पे हाजिरी लगा चुके, चांचावली बल्कि माइन जो पवई में वो दरगाह शरीफ पे हाजिरी लगाते हैं।
उनकी आस्था है। देखो अवार साहब किसी धर्म को नहीं, अवार साहब ने भी बयान में कहा कि मैं दरगाह पे कहां जाऊंगा, तुम तो कौन सी दरगाह पर नहीं गए। वो रईस बाबा की दरगाह है जो पहाड़ पे, अच्छा ऊपर जो पहाड़ पे वो दरगाह पे नहीं गए। पकड़ी शाह दरगाह सिर्फ जो मुमरा के जो दादा फकर है, फकर पकड़ी शाह बाबा है, उनके दरगाह पे तो हजीर लगाते हो। इनके इनको को बस एक कोई मुद्दे को भुनाने के लिए, लोगों में गलत फहमी फैलाने के लिए उनको कोई मुद्दे रहते हैं। मनसे ने जो मुद्दा मुमरा में बाईपास से सटकर जो दरगाह है मस्जिद है उसको लेकर काफी आक्रामक रूप अख्तियार किया, लेकिन ना ही अभी तक एनसीपी के तरफ से यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं उनके तरफ से कोई बयान आया, ना ही अवार्ड साहब ने यहाँ पर कोई बयान दिया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बयान दिया जा रहा है? हालांकि जो विरोधी है वो जो है मनसे नेता की और अवार्ड साहब की फोटो भी सोशल मीडिया में एक साथ चला रहे हैं, दोस्त बताया जा रहा है, एक ही थाली में खाना भी खा रहे हैं। सरदीप साहब आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको बता दूं कि आपको पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा माहौल सा बनते जा रहा है कि इतना शिंदे साहब को और देवेंद्र फडणवीस को ऐसा लग रहा है कि हमारी कहीं जमीन खिसक रही है। तो ऑप्शन में आज राष्ट्र साहब को मैदान में उतारा जा रहा है और अवार्ड साहब ने विधानसभा में एक स्क्रिप्ट बताई गई थी दीदी जो राज ठाकरे को दी गई थी, पेपर में पूरा मीडिया के सामने वो शो किया था या उस स्क्रिप्ट के अनुसार माहिम दरगाह के ऊपर कार्रवाई की थी। लेकिन 12 घंटे में तो मुमरा में कोई पूरे महाराष्ट्र में कोई दूसरे सवाल और कोई मुद्दे ही नहीं बचे। वही पब्लिक सिटी लेने के लिए अविनाश जाधव भी मुमरा में आए और उस दिन पहला रोजा था, जुमा का वक्त था, वही मुमरा के लोग बच्चे सब सूख लग व्यस्त जुमा की वजह से, तो उस टाइम ही यहाँ के बच्चे उनको जवाब दे देते। और देखो आपको पता है कि इसके पहले 2014 में 2019 तक राज ठाकरे साहब किसके थे, कहां बैठ रहे थे? अब आप पवार साहब की तारीफ करते नहीं छूट रहे थे, अब बोले ना लाओ रे वीडियो, उनका ये डायलॉग तो फेमस हुआ था, किसकी लाओ रे वीडियो बता रहे थे, लगाने जा रहे थे? वही नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे पंतप्रधान है उनकी वीडियो दिखा के लोगों को, जो लोगों को झूठे आश्वासन देकर सरकार में आए और आश्वासन को पूरा नहीं किए। अब कैसा है, अभी वो कैसा है, जब सरकार चेंज हुई तब तक कोई उनको प्रेशर आया होगा, ईडी से सीबीआई से कहीं से प्रेशर आया था, उन्होंने अपनी जो धारणा जिससे चेंज की तो उनके स्क्रिप्ट के अनुसार अब चल रहे और शिंदे साहब की सरकार और देवेंद्र फडणवीस उनको अब चला रही है। अरे आपको बोलते हुए अभी जिसकी ये अब नईम खान साहब की जो आप बात कर रहे हो, अब ये जिनके फूल बांध रहे आप देख रहे हो, शिंदे साहब हजीमलंग दरगाह पे सिर्फ क्यों जाके आरती कर रहे, अब बोले आस्था का विषय। आप वही हजीमलंग दरगाह पे हैदराबाद के आमदार टी राजा बोल के आते हैं, कैसी अनाप शराब बातें करके गए आप, आपके जो जिसकी फूल वाले वो जवाब नहीं दिए, उस पर कोई एक्शन नहीं लिए। अरे यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नफुसत किया कह दिया, उसके बाद टी राजा के ऊपर बॉम्बे में एफआईआर दर्ज होती है। महाराष्ट्र का माहौल कहां जा रहा है, आपने आप देखा अब संभाजी नगर है जो अभी कल जो दंगा हुआ, दो मुसलमान लड़के मारे गए, मालवनी में भी हुआ रावड़ी में भी हुआ, दंगा नहीं हुआ मगर कुछ लड़के वहां घुसे थे और जय श्री राम के नारे लगाए थे, उसपे चार भागे दो पकड़े गए। महाराष्ट्र में माहौल बिगाड़ के बीजेपी अपना माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, यही एक स्क्रिप्ट राज ठाकरे साहब को दी गई, वो स्क्रिप्ट के जरिए मुमरा का भी माहौल खराब करने की कोशिश की गई। मगर हमारे मुमरा में पूरे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, सर्वधर्म समभाव, गंगा जमुना तहजीब को लोग मानने वाले लोग हैं, या 84 का दंगा के भी असर नहीं हुआ, या 91 दंगे का भी असर नहीं हुआ, या 93 के दंगे का भी असर नहीं हुआ, लोगों ने यहाँ प्यार मोहब्बत सब सब रहते हैं, इसीलिए यहाँ किसी ने जवाब नहीं दिया और सब शांति से रह गए। पूरी स्किट फेल होगी, अविनाश जाधव का जो स्टंटबाजी थी फेल हो गई। अच्छा आखिरी सवाल है, नईम खान ने यह भी कहा है कि टोरिन का पावर का जो बिल का डिस्ट्रीब्यूट कर किया जाता है बिल, उसका ठेका जो है विधायक जितेंद्र भट्ट की जो है वाइफ के पास है, उनके नाम से ऐसा जिक्र उन्होंने किया है। ये स्टेटमेंट से तो उनको मान आने का दावा बनता है और उन्होंने ये भी कहे कि ये बात झूठ को नहीं दूं, मैं गोली आपकी गोली मैं खाने के लिए तैयार हूँ। अब तैयार ही है आपके स्टेटमेंट के ऊपर, क्योंकि आपको पता है झूठ बात कर रहे हैं। और एक बात बता दूं, इसके पहले भी एमएससी भी थी, कहां के लड़के लोग काम करते थे, मुंबई के स्थानीय लोगों को रोजगार मिला तो उनके पेट में क्यों दर्द कर रहा है?
फिर टोरंट के में जो आई है, जब तक टोरंट है जब कोई स्थानीय लड़के वहां काम करेंगे तो अच्छी बात है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, इनके पेट में क्यों दर्द कर रहा है? इनको कुछ लोगों के लिए कुछ करना नहीं है, मुर्गी के दरबे से बाहर निकलना नहीं है, दरबा जो बोलते उसके बाहर चार दीवार से बाहर निकलना है, लोगों के बीच में जाना नहीं है, बस सिर्फ बात कर रहा है मुंह में जो बात है, बात क्या क्या उम्र हो गई है। अच्छा नहीं है क्या ऐसा कुछ ठेका है ऐसा? ये सब झूठ बात है। हम उनके ऊपर नईम खान के ऊपर आगे कुछ दिनों में मानहानि का दावा ठोकने वाले हैं, ये सब झूठी बातें हैं और ये सब मनगढ़ंत कहानी है, लोगों को बस बहकाने की कोशिश की जा रही है, ये सब झूठ, इनसे अब कुछ हो नहीं रहा है। इनका जब आवार साहब से मुफाद था 2009 में, यही तो आवार साहब के लिए वोट मांगने घूम रहे थे, क्या कुछ आया था क्या इसलिए वोट मांगने घूम रहे थे क्या? 2014 में भी आप साहब पे घूम रहे थे, कुछ मुफाद था लगता होता, लगता आपके लड़के को नगर सेवक बनाना था तो उससे दो बार नगर सेवक बना लिए, अब आवार साहब को लगता लुभा नहीं पा रहे, आवार साहब इनकी आखिरी कहानी पहचान चुके, तो आप किसी की दूसरे के फूल बांधने घूम रहे, ये सब मुमरा की जनता है। आवार साहब ने इनकी कहानी पहचानी, क्या कहानी पहचानी सब कुछ? लोगों के बीच में जाना, लोगों में इनका जो रुझान है और लोगों की इनकी जो जो पहली पैठ सब खत्म हो चुकी है। अरे ये देखो ना, जिस कांग्रेस ने इनको राज्य मंत्री बनाया उसकी कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं, बोले कांग्रेस खत्म हो चुकी है। अरे आप तो कांग्रेस के पदाधिकारी हो, अब राजू राहुल गांधी साहब की एमपी की जो उसको कैंसिल कराया गया, आप कहां रस्ते पे उतरे? आपको इनको कुछ पड़ी नहीं है, ये बस अपना ही बेहतर जानते हैं, अरे अपने ही सब अपने ही लिए सब कुछ अपने मुफाद के लिए करते। आप देखे कर कभी मुद्दों को लेके मुमरा के कोई मुद्दों के रस्ते पे आए? अरे ये तो पुलिस की मुखबरी करते हैं। मैं तो बोलता हूं कि 1994 में जो हैवी ट्रैफिक मुमरा में चलती थी, दो बच्चियों का इनके बंगले के सामने मुखबरी कौन करता है पुलिस की? इनके बंगले से हुई है, उनकी एक स्ट्रिक्ट वहां से शूटिंग करके गई की थी, कम से कम 150-200 बच्चों को उस टाइम उठाया गया था, इनके बंगले से शूटिंग करा के पुलिस को दी गई थी। ऐसी ही एक हुआ था कि आप तो शूटिंग करना अलग है, मुखबिरी करना किसने किया था? नाम कुछ इनके लड़के लोग थे, इनके घर से जब शूटिंग हुई नईम खान साहब के, क्या किए थे उन लोगों से? शूटिंग करा के, शूटिंग करा के वहां के लड़कों की शूटिंग करके पुलिस को दी गई। हुआ क्या था उस टाइम? क्या हुआ था कि 94 में जब हैवी ट्रैफिक मुमरा के से निकलती थी तो एक दो बच्चे लॉरी के नीचे दबके जो पटेल स्कूल से निकल रहे थे दबके नीचे उनका निकाल हो गया था, तो उस टाइम माहौल जरा खराब हुआ था हैवी ट्रैफिक को बंद करने के लिए, तो लड़के सब बहुत रस्ते पे आए थे, उसमें पुलिस और बच्चों के बीच में थोड़ा हाथापाई हो गई, तो वो हाथापाई की उनके बंगलों से शूटिंग की गई थी। वैसे सेम टाटानगर में भी हुआ था, जो तलोजा में सीआरपीएफ की कोई पीआरएफ की कोई सीआरपीएफ की गाड़ी निकल रही थी तो वहां दो बच्चों का कुछ वैसा एक्सीडेंट हो गया था, तो इनके ही घर का स्टाफ का लड़का वहां शूटिंग कर गया कर रहा था, वो अच्छा मरहूम यासीन सुरमे साहब थे, उनने देखा और जो शूटिंग थे वो मोबाइल था कि डिलीट मार दिया या मोबाइल वो कैमरा था डिलीट मार के कुछ फाड़ दिया, तो उस टाइम भी बच्चों को गुनाला कर लेते बच्चे का, ये तो ये काम करते हैं, इनके हरकत है, इसलिए तो मुमरा के लोगों ने उनको नकार दिया। ये तो आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ही मुखबिरी करी? अरे उनका लड़का खुद एक्सेप्ट किया था कि वो काकानगर के सामने वाली जो बिल्डिंग है पहले वाले दूसरे वाले से शूटिंग करा था, पूरी मुमरा जानती है, मुमरा के पुराने लोग जानते हैं। आपने सुना कि बबलू सेना ने जो यहाँ के कांग्रेस के पदाधिकारी हैं नईम खान, उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाया था, बबलू सेना ने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है और ये भी बताया है कि जिस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।